देखती आंखों सुनते कानों धड़क दिलो आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हालचाल है? आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वासे भाई माशाल्लाह मुबारकबाद मियां साहब आशी साहब मिले। अच्छा उन्होंने हाथ से जाके बह गए, उन्होंने धक्का मारिया ते उन्होंने कह रहे कबूतर नु ते कुछ नहीं सी किया। नहीं है, जिद रखते हैं कोई ना जी। जी सर। राणा सनावला साहब को मार खा ली। अच्छा जी। उन्होंने कही जा रहे मुछा नु केड़ा तेल लाउंदे हो सर। सर जरदारी साहब को मार खा ली। क्यों? उन्होंने जाके कहते ताड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती, सदर मेनू बना दो। शेख रशीद साहब नू जाके मशवरा दे रहे सन क्यों नहीं तुसी शादी करते, कहंदे नहीं हो नहीं रही, कहंदे नहीं वो बाबा मेरा वाकफ है जिसका बोर्ड नहीं चल रहा था, 7 दिनों में महबूब आपके कदमों में। वाशी साहब को बहुत ज्यादा कुट खादी इन्होंने। क्या जी? उन्होंने बार बार जाके पूछी जान तुसी बचपन च कभी दोस्तों ने पैसे पाके VCR लिया? बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन है पंजाब असेंबली के अंदर जनाब आरिफ इकबाल हरना। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान एक्ट्रेस और इंटरनेशनल मॉडल मरिया सफदर। वेलकम टू द शो जी। मैंने हमेशा मेहमानों पे शेर लिखा है जी, लेकिन आज का शेर ना जी मेरे बच्चों के लिए है। बेशक। ख्वाहिश से नहीं गिरते कभी फूल किसी झोली में, वक्त की शाख को मेरे बच्चों हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। हाय हाय। वो मेरे पास आए तो मैं उसको समझाऊं, अरे वाह, एक राज की बात है मैं उसे बताऊं, डॉक्टर ने कहा है कैंसर तुम जान बनाओ। अच्छा जी। अब समझ नहीं आ रही इन दोनों में से किसको बनाऊं। जी क्या हाल चाल है मरिया आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। काफी अरसे बाद आई हूँ मैं वापस। आप की? अंदर हो गई थी? किधर अंदर? सॉरी सॉरी होते हो हम देने पर ले बाहर। हाँ, बड़े अरसे बाद आप वापस आई हैं। वैसे मैं नोट कर रहा था आपकी एक फिल्म थी गेस्ट इन लंदन। जी जी सर। बड़े मियाँ साहब क्या हाल है? आप देख रहे हैं ठीक है अल्लाह के फजल। इनकी थी ना गेस्ट इन लंदन, हुन मियां साहब रेस्ट इन लंदन। अरे भाई आप खुद जवाब दे, मैं नहीं इसमें पढ़ रहा। इंशाल्लाह लंदन भी जाएंगे, इधर भी रहेंगे, आपका भी इलाज करेंगे, अपना भी इलाज करवाएंगे। हरना साहब सियासत करो तुम की ना लाज। मैं इलाज की बात कर रहा हूँ, आप को दूसरी तरफ ना लेके जाए। मगर आरिफ साहब दोबारा एक बार पंजाब असेंबली के अंदर कैसा महसूस हो रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरी फैमिली की 5वीं धर्म है। इससे पहले मैं चेयरमैन भी रहा, मेरे वालिद साहब 2 दफ़ा MPA रहे, मेरी ये दूसरी दफ़ा है, मेरे भाई MPA रहे, अल्लाह का शुक्र है। सर इन्हां दे नाम तजा देगा जे। क्यों? देखो ना आरिफ इकबाल हरना। हाँ। ते जिते ने। आप गलत बोल रहे हैं, हरना है। हरना हरना के दो काफी हरना। यार 2002 से लेकर 2024 तक मेरी फैमिली ने 9 इलेक्शन लड़े हैं, 9, और सारे के सारे जीते हैं। नहीं सही लफ्ज आ गया सर, हर ना। नहीं तो कर नहीं वड़न देना। आज मैं उसे नोटिस कर रहा हूँ इस बार आप घड़ी नहीं पहन कर आए। वाकई घड़ी नहीं पहन, घड़ी चुरा ली आप लोगों ने। हमने चुरा ली है ये, आपने घड़ी पहनी नहीं, ये क्या बात है? नहीं वो पिछली दफा मैं आया था, वो घड़ी आपने ले ली थी, दूसरी घड़ी मैं खरीद नहीं सका, इलेक्शन में चला गया। आप इंशाल्लाह अजीज को पैसे वैसे को कमाते हैं, कारोबार मेरा है छोटा मोटा, बाहर भी है, तो उससे को थोड़ा बहुत पैसे लेके फिर घड़ी ले लेंगे। हमने घड़ी ली नहीं आपसे। नहीं आपने ली थी, वासी साहब ने ली। बिल्कुल आपने ली थी और इस बार वापस भी नहीं की आप। वापस भी नहीं की आप, क्योंकि वापस करना जो है ना वो आपको भी पता है सर, वो आगे बेच देते हैं। कौमी खजाने से है कुछ नहीं ना, मैं वो आगे बेच देते हैं ना फिर। नहीं मगर अच्छी बात यह है कि वो भी उन्होंने सही कहा कि घड़ी जो है वो आगे बिक जाती है, और आपने साथ ये भी कहा कि अब पैसे वैसे करके कोई
मेरा अपना कारोबार है, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, इस बार तो हुकूमत भी है। हुकूमत से पैसे नहीं कमाए जाते। अगर हुकूमत से पैसे कमाए जाते तो हम पिछले 22 साल में, मुझे पता है कि मैंने अपनी काफी जमीन अपने बाबूजदाद की बेच के इलेक्शन लड़ता हूँ। अरे भाई, ये किस काम में पड़ गए हैं आप? कौन से वाले सियासतदान हैं ये? तकरीबन 8-9 साल मैं अमेरिका में रहा हूँ। बड़ी अच्छी लाइफ थी, बड़ा अच्छा बिजनेस था, लेकिन अपने भाई की डेथ के बाद हमें आना पड़ा। मेरे वालिद साहब का हुक्म था कि आप वापस आए। मैं वापस आया, वापस आके इस काम में आया। अल्लाह का ये भी एक शुक्र है कि मेरी फैमिली में जब से हम ये इस काम में हैं, इलेक्शन में, सियासत में, अल्लाह तबारकबाद अल्लाह हमें इज्जत देता है। पैसा सब कुछ नहीं है, इज्जत ही सब कुछ है। मगर अरवे से एक चीज़ तो मैं मानता हूँ, अमेरिका से जो आए हुए वो आपके फैशन सेंस से मुझे नज़र भी आ रहा है। ये बड़ा ज़बरदस्त आपने आज कलर कोऑर्डिनेशन जो की हुई है, आपको क्या लगता है मरिया, है ना? लग रहा है ना, ये बड़ा एक बड़ा एक कमाल एक शेड है, ये ब्लूइश ग्रेइश किस्म का जो कि पूरा आरिफ साहब ने आज किया हुआ, और आपके साथ कुछ हल्की हल्की मैचिंग भी हो रही है, है ना सर? आरिफ साहब, आपको महसूस हुआ ही है? जी अभी हुआ है। आपको मॉडल है, आप बताएं कैसे लग रही है? नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं ना ये। थैंक यू आरिफ साहब, कॉम्प्लीमेंट रिटर्न भी करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी लग रही है। बहुत अच्छी लग रही है। आप खुल के कॉम्प्लीमेंट करें। नहीं, मैं खुल के और इससे ज्यादा क्या, आप इससे खुल के क्या? आरिफ साहब आप घबराए नहीं, मुझे आप घबराए घबराए लग रहे हैं। अरे भाई, आप इस चीज को रियलाइज करें कि ये मोहतरमा मरिया सफदर है, मोहतरमा मरियम सफदर नहीं है। आप खुल के बात करें, आप क्यों नहीं कॉम्प्लीमेंट करें? वो देखिए इतना अच्छा उनका जोड़ा है, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। ये देखे ना, माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। ज्यादा तारीफ ना करना, फिर अगले इलेक्शन कहना यार मैं कभी नहीं हराया, की वजह में हर की। मुझे लगता है कि अब इससे वोट बढ़ते ही हैं। अच्छा, कम नहीं होते। मरिया बड़ी जबरदस्त मॉडल जनरेशन, जो यूथ है उसका बहुत वोट है इस दफा। आपने नहीं, भी नहीं, देखा, हमने भी देखा जिस तरह यूथ पायर निकली है। इनके साथ भी हमें जो है ना, बिल्कुल इनका एक वोट अब डिसीजन मेकिंग वोट है, अल्लाह के फजल। बिल्कुल इनका भी खास तौर पे जो यूथ है इसका हमें बहुत ज्यादा करना पड़ेगा इनके लिए। मुझे ये बताइए मरिया, इससे पहले कभी आपको कोई पॉलिटिशियन ने कॉम्प्लीमेंट किया? नहीं किया। देखें ये तो पहले हो गए, ही विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। मैं कहीं मिली नहीं किसी पॉलिटिशियन तो देखिए ना, बस फिर आज हमने ये दोनों काम करवा दिए, पॉलिटिशियन से भी मिला दिया और आपको कॉम्प्लीमेंट भी दिलवा दिया। वैसे पॉलिटिशियन जैसे सोचती थी आप वैसे ही हैं आरिफ साहब, या नहीं? मैंने कभी सोचा नहीं उनके बारे में। मगर एक कीप ऑन सीइंग देम ऑन टीवी न्यूज़, आई नेवर लाइक पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियंस। यू नेवर लाइक पॉलिटिशियंस ना? बट हैज ही, ये बात नहीं कह सकता कि हम आपको लाइक नहीं करते। हाय हाय हाय, थोड़ा सा आपका रवैया सख्त है। हाँ, तो वो सर उसमें नरमी पैदा करें। नाम ताड़ा आरफ इकबाल है, रखता आरफ लवारा लिया। मगर नहीं देखे वो बात जो है, उन्होंने कहा कि आपका बड़ा सख्त है, तो वो मे बी यू नीड टू रिव्यू इट। थोड़ा सा ना ट्रेंड बन गया, मैं वैसे ही सख्त हूं। मैं शुरू से, बिकॉज सिंस आई वाज 18 आई हैव टेकन केयर ऑफ मायसेल्फ, अपना ध्यान खुद ही रखा है, तो मैं मुझे बनना पड़ा है। ओए होए होए, अरे साहब ख्याल खुद रखा है ना, मतलब एक स्ट्रगल है पीछे पूरी। इनको वोटों की जरूरत नहीं है, हम तो ये लफ्ज बोल भी नहीं सकते ना। हाय हाय हाय, इससे भी हमारा कोई पॉलिटिकल नुकसान ना हो जाए। हाय हाय हाय, नवा कोड़ा जो आया होगा, कुड़ी ने कहा नहीं मेनू सियासतदान। कोई बात नहीं, आपको दे दूंगा। अरे नहीं, वो कह रही है कि वो अच्छे लग रहे हैं भाई। नहीं नहीं, मैंने कहा है अच्छे लग रहे हैं। हां, वो तो अच्छे लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक कमेंट तो पॉजिटिव आया ना। हां, कमेंट पॉजिटिव, उन्होंने कहा कि वैसे उसके अलावा मेरी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो अच्छे लग रहे हैं। क्या कि पॉलिटिक्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं, ये नहीं कह सकते आपके पॉलिटिशियन मुझे अच्छे नहीं लगते। ओए देखें, जिनकी वजह से ये पाकिस्तान कायम है, कायद आजम मोहम्मद अली जनाब, वो भी पॉलिटिशियन। बिल्कुल, आज तुसी कितने इमरान हाशमी की फिल्म देखते नहीं आए? वैसे फिल्में वगैरह देख रहे हैं कभी? देखते, बिल्कुल देखते। कौन सी आखिरी अच्छी फिल्म जो याद आपको, जो आपको पसंद आई हो? पिछले मेरे हाल 2-3 साल में नहीं देखी, जो सही बात है। ठीक है, उससे पहले कोई आखिरी जो याद हो कि यार ये बड़ी अच्छी फिल्म थी यार? बच्चों के साथ गया था, मुझे याद नहीं है। कोई एक्टर्स बता दें आपको, कौन से पसंद है? मेल फीमेल दोनों बता दें आप। आप भी अच्छे हैं। एक तो मैं हूं और आप अच्छे लगते हैं। हमारे अलावा कोई नहीं बताया ना सर, यहाँ मौजूद नहीं है। सही वाले बताए ना हमें। बड़े हैं अपने, फवाद खान है। फवाद खान ठीक है, बहुत अच्छा। मौला जट तो नहीं देखी थी आखिरी कहीं बच्चों के साथ? हाँ देखी थी। मौला जट सही लगी थी? देखी थी। उसके अंदर और कोई और पसंद आया फवाद खान के अलावा? मायरा खान थी। मायरा खान अच्छा काम किया, मायरा खान ने भी अच्छा बहुत अच्छा काम किया। वो सारी टीम भी, फिल्म अच्छी थी। फिल्म अच्छी थी आपको? मैं बच्चों के साथ गया था। ठीक है, मैंने शायद 2 दफा देखी है। 2 दफा? दो दफा हो चुकी, छोटा भी साहब ने काम किया था।
आपकी ऑल टाइम फेवरेट मूवी कौन सी है? लाइक पाकिस्तानी कोई भी आप हमें बता दीजिए जिस जिस टाइप की आपके पास ऑल टाइम लाइक हॉलीवुड ग्रेट गैट्सबी Great Gatsby. Yeah, have you watched it? Yeah. ये मनोहर जी साहब की है. I have a few more, but I can't really remember them right now. लेकिन मुझे ये बताइए, are you acting as well now या सिर्फ modeling ही कर रही हैं? दोनों कर रही हूँ. I'm working actually on a film. अच्छा. By Faraz Haider. Okay. And it's a sci-fi film. Okay. और काफी interesting है. It's about this power couple जो AI के around revolve करते हैं. Like they make a software. जो के पॉजिटिव और नेगेटिव को क्रिएट करता है एंड दे प्ले विद दैट इट्स अबाउट वैनिटी एंड लव एंड इट्स रियली कूल एंड यहां पे बन रही है या इंग्लैंड में बन रही है यहां पर बन रही है यहां पे ही बन रही है पाकिस्तानी है ठीक है वैसे आप अब ड्रामे वगैरह नहीं कर रही हैं यार मुझे आजकल जो कंटेंट बन रहा है ना ड्रामों में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं कर रहा नहीं इंटरेस्ट कर रहा आपको नहीं लाइक पुराने जमाने के होते थे ना लाइक पुराने जमाने अ फ्यू डेकेड्स बैक लाइक A decade or two back, those were the dramas. Unki content, unki story, unke characters, unki acting, everything was so good. Nowadays, mujhe samajh nahi aati hai, like, what's going on. Drama karne chahiye. Jaise hume to mil hi nahi rahe na, to hum to isi ye bhi keh dete hain ki main nahi samajh rahe. Aap kaise rahe ho? To koi aisa drama jo waise bhi likhe aur aap heroine aur main hero. Phir to main karu. Aur pura package sun lijiye. Aap heroine, main hero, Aarav saab villain. और वैसे मैं छुपी का रोल करूंगा आरे साहब क्यों विलन बीच में तुमने डाल दी सर मैंने लग रहा है कि उन्होंने लुक तो लग रहा है कि वेरी बैड लुक ये लुक होती है आरे साहब की हमेशा सर मैंने इंज देख रहे ने जिवें डॉक्टर जख्म नु नहीं देखदा वेलकम बैक टू गपशप जी रीच सर एक दिन के लिए अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो क्या करेंगे क्या चेंज लाएंगे पाकिस्तान में अपनी छत पे सड़क बना लेना मेरा अपना ये ख्याल है कि एक दिन में कुछ भी नहीं हो सकता एक दिन में सिर्फ आप अपनी अच्छी सी तस्वीर बनवा सकते हैं प्रैक्टिकली कोई काम एक दिन में हो नहीं सकता भी वो प्राइम मिनिस्टरियल हेलीकॉप्टर और जहाज की सैर कर ली थोड़ी सी एक दिन में ये कर सकता है बंदा कि बनीगाला से हेलीकॉप्टर के जरिए प्राइम मिनिस्टर हाउस बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर से बनीगाला फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस फिर बनीगाला ये कर सकता है ये एक दिन में हो सकता है प्रैक्टिकली मगर नहीं वैसे अगर जहाज यूज करें तो आप प्राइम मिनिस्टर हाउस से जाती उम्रा भी जा सकते हैं लाहौर के कर नहीं रहे हम प्रैक्टिकली काम कर रहे एक दिन से मुझे याद है कि मरिया एक दिन जिनकी शादी नहीं हुई उनकी होनी होती है तो आपकी जिंदगी में वो एक दिन कब आएगा अल्लाह जाने नहीं तो है कोई देखे ना नहीं कोई नहीं है ये देखे ना है पूरा ये शर्ट मैंने सिर्फ आपकी वजह से पहनी क्या मेरी आ रही है अरे वाह तो ये पहली मर्तबा पहनी है मैंने क्या आपको कहीं शक था कि उनको ये कलर पसंद है ये कलर उनको पसंद है पूछ लीजिए पता नहीं है, है? नहीं पसंद है आपका फेवरेट कलर कौन सा है मेरा फेवरेट पर्पल दो बार धुले तो पर्पल ही निकलती है नीचे से सर आपको नहीं पता क्योंकि मैं चाहता था ये कलर उनको पसंद नहीं है ना मैं कहता था हमारी मोहब्बत का आगाज नफरत से शुरू हो ओए होए होए सर इससे फिर अच्छा हो जाता ना ऐसा ऐसा मनाने में ख्वाहिशात पूरी करने में फिर ज्यादा प्यार हो जाता अरे बाबा तो लेकिन चले मैं तो मुझे लग रहा है कि चले मैं ट्राई कर रही हूं थोड़ा कोशिश करें कुछ सिरते वजन पाओ थोड़ा जस्ट जोर नहीं अगर वैसे चले जिंदगी में अगर कोई शख्स ऐसा आ गया तो वो कैसा होना चाहिए अगर आए तो दिल का अच्छा होना चाहिए दिल का अच्छा होना चाहिए पर्सनालिटी होनी चाहिए पर्सनालिटी होनी चाहिए गुड लुकिंग भी होना चाहिए मैं शक्ल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती शक्ल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती वो और फिजिक पे भी फिट होना चाहिए फिट होना चाहिए ये नहीं कि पेट निकला हुआ है और जीभ वाले तो ये बेटा आपको मुबारक हो आपका बड़ा भाई फिर कैंसिल हो गया आपकी बात नहीं कही थी मैं आपकी बात नहीं कही थी जनरली बात अगर फिट और गुड लुकिंग ना हो तो वुड दैट वर्क नो नो इट हैज टू बी फिट इट हैज टू बी गुड लुक्स हैज टू बी गुड लुक नहीं हैज टू बी अट्रैक्टिव नॉट जस्ट पर्टिकुलरली गुड लुक बट अट्रैक्टिव एंड व्हाट इज अट्रैक्टिव जो आपको दिखने में पसंद आ है आपके ख्याल से पर्सनालिटी और ये लुक्स कोई डू यू हैव एनी रेफरेंस रणवीर सिंह रणवीर सिंह ठीक है चिचोरा भी है लेकिन देन ही हैज दिस थिंग अबाउट हिम चिचोरा भी ये भी है माशाल्लाह <माशाला। laughs>
अरे छिछोरा तो रिलेटिव हो गया ना, लाइक पैशनेट, लाइक वो हर चीज के बारे में पैशनेट है. काम एक्टिंग के टाइम लाइक उस तरह पैशनेट है, बट when it comes to him and his wife, he's passionate about that, his relationship. He's also passionate about whatever he does with heart. Ranveer Singh ki to chale ho gayi na ab shaadi wadi, wo to bechara nikal gaya race se. To agar us tarah ka koi aur hai aapke paas koi? Nahi yaar, nahi reference ek Ranveer Singh hi hai. Inki moochhe rakhwa le, takriban milte julte hain. Sir, khuda ke liye sir, moochhe nahi, bahut kaam karwana padega. Are bhai, bahut kaam ki mere gode pehne wale ne na. इसमें से रणवीर सिंह निकालना होगा तो मतलब पहले पांच छह साल लग जाएंगे. पांच छह साल पहले दो तीन साल का जिम होगा. हाँ, उसके बाद फिर आज के दौर में तीन चार माह में बंदा ठीक हो जाता. मुझे देख के तो उनको रणवीर सिंह याद आया. हाँ देखे ना? ये बात ठीक है ना, क्योंकि वैरायटी कोई आम नहीं बैठेगी, खास वैरायटी. मगर और मसला आपका ये भी है क्योंकि आई थिंक आई बिलीव यू लिव इन लंदन, और वो तो लंदन रहती हैं, तो मैं भी चला जाऊंगा. इनकी वजह से वीजा लग जाएगा उनका भी. तो ज्यादा लड़न दे वीजे का पता ना. वैसे ये स्पॉन्सर कर सकते हैं. मैं कर दूंगा स्पॉन्सर. ये क्यों करें स्पॉन्सर, तो आप करिए. आप करें ना, वो तो तब हो ना कि मैंने शादी करनी है. अच्छा, वैसे किसी का भला नहीं करना है, वो विजिट वीजा पे आएगा. मैं अपने आप को तो संभाल लूं, किसी और को कैसे. नहीं मगर आप देखिए विजिट वीजा के हमें स्पॉन्सर लेटर तो दे दे. आप पहले देख तो ले उसको, आप वो बस सूट भी करती है नहीं करती. वो देखे लाहौर की पोल्यूशन का हिला हुआ क्या, वो लंदन में पहुंचे चले हीथ्रो बीमार हो जाएगी, जाते ही बीमार हो जाएगी, मेरा तो नुकसान हो जाएगा फिर. नहीं नहीं आपका नहीं, हम खुद यहाँ से लड़का अपना भेजेंगे. आपने सिर्फ हमें स्पॉन्सर लेटर देना वीजे के लिए, हम वीजे के पैसे नहीं मांग रहे आपसे. नहीं नहीं नहीं, वो स्पॉन्सर लेटर के लिए आपको दिखाना नहीं होता कि आपके पास फंड्स हैं उनको. आपको लंदन में इनको फिराना हो तो व्हाट वुड बी द टॉप 5 थिंग्स दैट यू वुड डू और सजेस्ट हिम. टेक हिम अराउंड ट्रफाल्गर स्क्वायर. पहला टेस्ट तो तुम्हारा ये है कि तुमने अब वो सारा रिपीट करना है जो जो वो जगह बताएंगी. तो प्लीज मरिया बताइए कि लेकिन एक्शन पाकिस्तान वाला रखे हो ना, तुसी एक्शन भी जो बाइडन वाला रख लिया. जो बाइडन वाला बोला भी नहीं जा रहा है मुझसे, तो आपकी शक्ल देख के नहीं आ रहा. देखे ना मेरे प्यार में कितना अंधी हो गई है, नजर नहीं आ रही. मरिया एक बार बताए कौन कौन सा जरा प्लीज. लंदन जू. नहीं नहीं आप प्लीज पांच एक एक करके बताएं. लड़के ने मारे रिपीट. लंदन ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट. ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट. अच्छा एक हो गई है, दूसरी लंदन जू. ओके और बताएं. ट्रफाल्गर स्क्वायर. ट्रफाल्गर स्क्वायर. ट्रफाल्गर स्क्वायर. और बताए. अच्छा जी बकिंघम पैलेस. ओ बकिंघम पैलेस. بس ما يبغى انا خلي يا حبيبي انا ما عندي فلوس انت انت صاحبي شغفي. هلو هلو السلام عليكم يا شادي. وعليكم السلام. واتس رونج؟ کیا ہوا اس کو؟ بغوصا اس بات کہہ کہ ایک انسان ہونا سر. ہاں ہاں میرا کام ہے ترجمہ کرنا. جی اوپر سے مجھے کہہ رہا ہے بھی سارے کام تم دیکھو. اچھا میں سارے کام کس طرح دیکھ سکتا ہوں؟ اس بات کا غصہ کر رہے ہیں. لیش انہا وظیفت کا مراقبت کل شئی. کون جی؟ میں تو نے کیا سے نہ کہے گا. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہا ہے کہ میں سارے کام تم ہی کرو بس. सोशल मीडिया टीम भी मैं कैसे सर उनको हैंडल कर सकता हूँ? सोशल मीडिया टीम चाहिए. कह रहे मेरे सोशल में पूरी दुनिया में जितने भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं उनके ऊपर मुझे मशहूर करना है. ओए होए होए. तो मैं नहीं कर सकता. अरे व्हाट द फलूस ही वजीफा तो का हुआ लाजिम सवी. मैं भी बस मुतरजम. नहीं जब तर्जमा निगार में ऐसा एक गल हुई सी मैं तर्जमा करांगा, बाकी मैं नहीं करना. हूँ तेरे से रोटी भी मैं ही खावा. यू वॉन्ट टू बी फेमस ऑन सोशल मीडिया? हाँ कहंदा जी बिल्कुल ठीक है. okay. मीडिया मैं उत्थे होना चाहना, लेकिन वीडियो भी होंदी ना जी किसी तरतीब दी वीडियो होवे. हाँ. मैंने हुण कल कह रहे ने कि कैमरा उत्थे रख के बह. हाँ. मैं खच्चर दियां लत्तां कुटांगा. खच्चर की? हाँ जी कहंदा यही डिफरेंस ही हो सकती है भी, बाकी तो नहीं ना कर रहे खच्चर दियां लत्तां को कुट रहे हैं ऊंट दे नाल जो टुर पैंदे ने. हाँ. ते फिर मैंने कहंदे ने स्लोमो बनाओ स्लोमो बनाओ. ऊंट के साथ वॉक का? हाँ जी. ओके. ते माशाल्लाह तेज भी टुरदे ने ना. हाँ. फुल तेज टुरन. अच्छा. ते स्लोमो ही हुंदे ने. बहुत अच्छे.
देखो ना अगो बंदा मजबूरन कह ही देंदा भी हां क्योंकि तनख्वाह भी तो लेनी है انا ورتي رقم القطير في روح نيويورك هذا بروكلين كوبري انا واحد كلم بس ابغى واحد فيديو هو ما في سوي نہیں اودے جی بھی میرا قصور سی ایوہ ابے مجھے بتاؤ کیا ہوا سر جی بروکلین برج نہیں ہے نیویارک میں کہہ رہے یہاں کھڑے ہو کے نا جی میں وہ شاہ رخ والے ایکشن کروں گا ایسے کر کے تو تم نے وہ ویڈیو بنانی ہے ایوہ مطلب وہاں سے چلتے ہوئے جب ایسے کیا تو ٹریفک کی سائیڈ والی ساری رک گئی सर वो पुल जो इंज नहीं बने वो ट्रैफिक इन रुकी इंज हो गया वो साइड ही बह गई सर उत्थे मैं वीडियो बना मैं तो लमक रहा सर थले शुक्र है कैमरा बच गया ब्याह मैं करके लटकया एक पास कैमरा तो बनाया दसो हम मैं यश चौधरी यस انا ما ابغى هذا انا ابغى واحد سوشيال ميديا تيم بس كان انت سي من اگر کوئی سوشل میڈیا ٹیم ہائر کر دیو میں تہاڈا بڑا مشکور ہوواں گا اے تے کوئی میری جان چھڑا دیو میں صرف ترجمہ کرنا جڑا مینوں نہیں آوندا اچھا لسن آئی ایم ان دی میڈل اف ا شو وی ول ٹاک اباؤٹ دس لیٹر آئی ہیو ا شو میں بعد اج کہندے نے گا او انج نہ کرے کر انج لگدا گنے والی ٹرالی جا رہی ہے अभी वो सिर्फ मुस्कुराए हैं फिर खोल के आस पड़ने फिर तेन लग पता जाए क्या हुआ है अरे आरिफ आप जानते हैं इनको आई हुआ इन द मालूम हद हक की सेकंड बेत एज अ यूके ओके यूके इज योर सेकंड होम आई हुआ ओ अरे शुभ इन द के बनाल हां गुड आई एम गुड माशाल्लाह व मालूम हां जी हां जी आई दावत तो आप अव्वल तारफ अव्वल तारफ हां तारफ शेख वजन बिन जर्रा दावत कर रहे भी यूके तुसी आओगे ना ते तुहानू दावत ताम इजी तैयारतुन खास फी हीथ्रो मतार हां कहंदा भी हीथ्रो जेड़ा एयरपोर्ट है ना जी उतों प्राइवेट जेट ते कहंदा तुहानू लेके जा ओए प्राइवेट जेट पे हीथ्रो आईवा बादेन रोल्स रॉयस सियारा फिर रॉय डॉचेस्टर आईवा ओए होए रोल्स रॉयस के ऊपर डॉचेस्टर जाना है आईवा वाह वाह उते ज्यादा जानदे ने ना सर आई कैन इमेजिन अव्वल रूह फी हादा म्यूजियम कहते म्यूजियम तुम दिखावे म्यूजियम म्यूजियम हाँ कहते तुम दिखावे इन्हों वर्ग के कई लगे ने वजन बिन जरा ना आरिफ आई वो आरिफ असल आरिफ वालिश 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 सलाम अलैकुम ओ यस वजन बिन तन के वजन बिन जरा लेकिन अरब भाई अरबी है तुसी इज्जत करो किस टाइम लोड पै सकदी है कहंदा जी मुबारक होवे तुसी इलेक्शन जीते हो ते दावत ताम माफी मुश्किल कहंदा कोई ऐसी गल नहीं सवा सवा अच्छा जी आवा انت عقيد شوف هذا كيف انا عربي انت باكستاني ते रोटी चाइनीज जा रहा थोड़ा बिरा फिर यूएसए ना करे मैं के तानो एक बारी दस दवा हो सकता नेक्स्ट वीक में मुलाकात ना हो अरे क्यों ओ यार डोनाल्ड ट्रंप साहब तो ना पता मेरे बेस्ट फ्रेंड ने आई नो ओ फेसबुक दे उत्ते उन्होंने जड़ा लिखा है ना क्या लिखा मेरे दिल से बजा के यार फेसबुक पे क्या लिखा उन्होंने लिखा है एनीबॉडी कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा जी सर मैं फिर कॉल कीती मैं के भाई जान क्यों लिखा है जे हां कहंदे ने निर्गोली दिमाग बड़ा खराब है केनू दसा क्यों मैं क्या सर तुम्हारे तो खाली दिमाग खराब है हाँ। मेरे घर का पक्का खराब है हाँ। मैं क्या सर पानी वाली मोटर खराब है गीजर खराब है मैं केनू दसा हाँ। कहने यार बड़े हालात खराब ने तेन पता है को कंपेन शुरू होने लिए हाँ। तो मैं क्या तुसी डायरेक्ट मैनू कॉल करो हाँ। निर्गोली इज द बेस्ट फ्रेंड मैंने कहना यार निर्गोली कदी कदी फील होंदा है भाई पाकिस्तान च कोई भी काम हो तेन ही कहना पैंदा हाय हाय भाई एक बारी दो बारी तीन बारी हाँ। सौ बारी कहना अजीब जा लगता है मैं क्या सर गल ही कोई नहीं तुसी बिराया गए हो हाँ। कहंदे ने नहीं असल गल ए वे
कि आजकल पाकिस्तान दा यूएसए नाल किसे नाल ज्यादा ताल्लुक बन जावे ना हाँ। मुश्किल भी पेश आ सकती ओ। नाले कहंदे ने नवे बॉस तेरे आ गए ने ओ। हो सकता है ओ फील कर जान ओके। मैं कहा सर डोंट यू वरीड अबाउट ठीक है ऐसी गल ही कोई नहीं आर्डर लाओ ओके। कहंदे ने इलेक्शन आ रहा है कहंदे ने तैनूं पता भी इत्थे कंपेन उस तरह की होंगी नहीं अमरीका में हाँ पाकिस्तान ते जलसे जलूस फड़ लो हाँ। उत्थे नहीं इंज हो सकता बिलकुल ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜਾਂ ਪੱਟੀ ਜਾਵਾਂ ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਈਡੀਆ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੈ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਹੈ ਓਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦ ਫੜ ਕੇ ਆਹਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਆਹਾ ਹਾ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਭੇਜ ਅੱਛਾ ਗੁਰਦ ਭੇਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਐਂਜਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ 100 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮੀਮਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿੱਤਾਂਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਅਗਰ ਨਾ ਆ ਸਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੋਟੀ ਛੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਹਮ ਕਰ ਲੈਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਲ ਤੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ 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 ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹਜੇਗਾ ਵਾਪਸ ਹਾਂ ਕੂੜ ਜਿਹਾ ਨਾ ਓ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਰਫ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਆਰਫ ਬਾਈਜਾਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਯੈਸ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਨਕੇ ਭਾਈਓ ਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਆ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਆ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਮਪੀਏ ਬਣਨਾ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਉੱਚੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਆ ਫਿਰ ਬਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ 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 ਕੰਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾ ਜੀ ਅਸਲ ਬਾਈਜਾਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਾਈਜਾਨ ਦਾ ਲਾ ਦਿਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਦੇਖੇ ਨੇ ਗੌਰ ਸੇ ਦੇਖੀਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਓ ਓਨ ਦੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਯਾਰ ਕਿਆ ਗਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹੈ ਸਪੈਨਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਹਾਂ ਜੀ ਓਨ ਦੋ ਸਟ੍ਰੈਸ ਓਮ ਪਸੀ ਤੋਂ ਪਲਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਨਾਮਵਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਵਧੀਆ ਯਾਰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਘਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮਾਨ ਸੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਉਖਾੜਾ ਹੈ ਕਿਆ ਬੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਊ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬਾਈ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਅਗਲੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਗੋਲੀ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਆਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਮ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਫਟੇ ਦਿਆਂਗਾ ਓਏ ਹੋਏ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੋ ਕਿਉਂ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮਿਊਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ ਯਾਰ ਬਸ ਕਰ ਦੇ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਮਰੀਆ ਇਹ ਬਤਾਏ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਵੀ ਕੀਆ ਥਾ ਹਾਊਸਫੁਲ 3 ਕੇ ਅੰਦਰ ਯਾ ਤੋ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਫਰਕ ਲਗਾ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਮੇ ਔਰ ਕੈਸਰ ਪੀਆ ਮੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਥਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਛਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਦਿਲ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੂੰ ਨਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਗਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਵੈਸੇ ਬੇਸਿਕ ਜੋ ਦਾ ਸੁਣਾ ਬੜੇ ਫਿਟਨੈਸ ਯਾ 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 ਨਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਲ ਆਫ ਥੈਮ ਆਰ ਵੈਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਔਰ ਕਾਫੀ ਦਿਲ ਲਗਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਤੇ ਔਰ ਦਸਤੀ ਲਾਈਕ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਔਨ ਪੁਆਇੰਟ ਔਨ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੇ ਨਖਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਐਕਟਰ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਐਕਟਰ ਹਾਂ ਲੇਟ ਆਣਾ ਹੈ ਯਾ ਜਲਦੀ ਆਣਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਔਨ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਣਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਲਦੀ ਆਤੇ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਾਮ ਸੇ ਕਮਿਟਡ ਹੋਤੇ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਵੋ ਲੋਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਗੇ ਹੈ ਨਾ ਹਮਸੇ
इसी वजह से हम लोग तो अब भी बड़ा एक्टर बन जाता है तो फिर वो 3 घंटे लेट आ रहा है क्योंकि अच्छा, मैं कुछ या हमने एक्सपीरियंस किया 3 घंटे लेट वाला बहुत ज्यादा आधा दिन बाद आता है आधा दिन बाद एक्टर आता है कौन सा वाला बहुत एक्टर है मैं नाम नहीं लूंगी अल्फाबेट्स बता दीजिए हमें सिर्फ उनके अल्फाबेट्स भी नुकसान हो जाएगा नहीं नहीं आपका नहीं होगा मैं अपने भी ले लूंगा पहले ही लोगों को मेरे से मसले में अल्फाबेट्स बताइए नाम ना ले हम खुद ही गैस करते हैं रिजक अल्लाह ने देना नाम ले ले कुछ नहीं होता हाँ रिजक अल्लाह ने देना नाम ले ले जाएगा तानू किन्ने जिताया तुसी भी लवो ना अल्लाह तबारक व तआला ने अच्छा खासा मैं भी पहुंच ही रहा था वहां पे तो अच्छा जी कसौटी का बेड़ा गर्क कर दिया अपनी लड़की खेल लिया आप क्वेश्चन पूछे मैडम प्लीज अस्सलाम वालेकुम मेरा सवाल मैम से है कि आपने बॉलीवुड में भी काम किया है तो किस एक्टर के साथ आपको काम करने में ज्यादा मजा आया मेरी लीसा और जैकलीन के साथ ज्यादा बनी थी नरगिस वाज अ बिट लक्चरी और ओके लाइक आई थॉट टू मच ऑफ हरसेल्फ अच्छा हां अक्षय वाज नाइस ही वाज अ स्वीटहार्ट अभिषेक एंड रितेश वर राइट ओके ठीक है बोमन रानी वाज वेरी फनी बोमन रानी थे और जो मसले थे वो थोड़े से जो नई वाइफ बनी वो नरगिस फखरी के साथ और हां नहीं मसला मुझे नहीं था उस दिन नाइस उनको चिढ़ी थी कि बाकी क्यों मेरे साथ इतना घुल मिल रहे हैं ओहो जेलसी से हां कि ये कौन है जिसके साथ इतना अभी नहीं आई है और इसके साथ क्यों इतना घुल मिल रहे हैं तो उसको अजीब सी जलन सी हुई ओहो जलन सी हो रही थी समझ गए जी अस्सलाम वालेकुम 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 अस्सलाम सर मेरा क्वेश्चन आपसे है आपकी पार्टी की तीसरी नस्ल जो है वो पाकिस्तान में हुकूमत कर रही है तो वज़ीर-ए-आला जो है वो आपके घर से क्यों बनता है पहली बात तो ये है कि आप जो बात कर रहे हैं जो टोटल आप अरसा निकाल लें मुस्लिम लीग नून का कि जितनी देर मियां नवाज शरीफ पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं तकरीबन 2 साल फिर 2.5 साल फिर 4 साल उसमें जितनी डेवलपमेंट है पाकिस्तान में सारी डेवलपमेंट को एक तरफ कर लें और जिनकी जो पिछले 3.5 साल एक और पंजाब में तकरीबन 4.5 साल उनके पास सिर्फ एक नाका कोका और एक साइफर के अलावा उन्होंने एक ईंट नहीं कहीं लगाई बाकी डेवलपमेंट जितनी है वो मुस्लिम लीग नून मगर उनका सवाल ये है कि उनकी फैमिली से ही क्यों बनते हैं वज़ीर आला सबसे ज़्यादा तो खुशी आपको होनी चाहिए एक विमन वज़ीर आला बनी है और पिछले 1.5 माह में जितना काम उन्होंने किया है मैं ख़ुद भी ईमानदारी से ये बात करूँ कि मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि चीफ मिनिस्टर साहबा इस तरीके से काम करेंगी हर शोबे में इसमें आप पूछ रहे क्यों आ रही हैं क्योंकि ये वोट मियाँ नवाज शरीफ के नाम का है फैसला मियाँ नवाज शरीफ ने करना है कि किसने चीफ मिनिस्टर बनना है अच्छा फैसला है मैं तो इसको अप्रिशिएट करता हूँ और इंशाल्लाह ये सूबे के लिए भी देख रहा हूँ जी अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम समन है मेरा क्वेश्चन सर से है कि अगर आप खान साहब को एक मशवरा देना चाहें तो वो क्या होगा उनको कोई सोशल मीडिया छोड़ के झूठ बोलना छोड़ के ये गड़ियाँ बेचने वाला काम छोड़ के प्रैक्टिकली कोई अगर उनको अल्लाह दोबारा कभी मौका दे तो इस मुल्क के लिए कोई काम करें जो कि उसने नहीं किया पिछले 3.5 साल में कोई एक काम नहीं बता सकते आप जो उसने इस मुल्क की बेहतरी के लिए किया तो उम्मीद है सर उनको मौका मिलेगा ये अल्लाह ने मौका देना होता है तो किसी टाइम भी किसी को भी मिल सकता है मगर कोई एक काम भी नहीं आपके ख्याल से उन्होंने कोई एक काम है तो आप बता दें जो एक काम वो किया। काम किया कि उसके बाद आप लोगों को वापस आने का मौका मिल गया इससे बेहतर काम क्या होगा सही कह रहे हैं आप वो अगर ना करते तो फिर कभी ना भजन वापसी होती बिल्कुल सही बात जी प्लीज अस्सलाम वालेकुम मेरा नाम समन है और मेरा सवाल मैम से है मैम जैसे कि आप मॉडल भी हैं और एक्टर भी और आप किस चीज़ में ज़्यादा एंजॉय करती हैं मॉडलिंग में या एक्टर में एक्टिंग या ऑलवेज बीन पैशनेट अबाउट एक्टिंग मैं हमेशा एक्टिंग के बारे में मुझे कभी पता नहीं था कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी या मेरा कोई ऐसा शौक नहीं था बट सम हाउ आई लैंडेड इनटू इट लाइक अल्लाह की तरफ से हो गया और समथिंग कि मैं बस हैपन टू मीट समवन जिसने मुझे रिकमेंड किया जब मैं लंदन में स्ट्रगल कर रही थी तो मुझे एक दोस्त मिली और उसने कहा कि मैं इस एजेंसी के साथ काम करती थी तो व्हाई डोंट यू ट्राई और मैंने ट्राई किया और उनके थ्रू मुझे एक्चुअली ऑडिशन मिला था Housefull 3 का और मुझे पता भी नहीं था कि मैं उसके लिए ऑडिशन कर रही हूँ मैंने बस बना के ऑडिशन भेज दिया अपनी छोटी बहन के साथ एमी रफली और फिर ईद वाला दिन था आई रिमेंबर मैं अपनी माँ की तरफ थी और मुझे ई मेल आया कि आप इस फिल्म में Housefull 3 में सेलेक्ट हुई हैं जिसके अंदर ये एक्टर्स हैं आई वाज लाइक व्हाट तो इस तरह से मैंने एक्टिंग करनी स्टार्ट की उससे पहले मैं बहुत सारी मॉडलिंग जॉब्स कर रही थी उसके थ्रू और फिर उस मूवी के थ्रू मुझे गेस्ट इन लंदन मिली और बहुत सारी और भी फिल्में मिली बट कुछ चीज़ों की वजह से वो मैं कर नहीं सकी
जी सर, मेरा सवाल आपसे है कि जैसा कि सबको पता है कि मुखालफत की सियासत से मुल्क को बड़ा नुकसान हो चुका है, तो आपको नहीं लगता कि लड़ाई झगड़े छोड़ के आपको अवाम और मुल्क की फलाह के लिए काम करना चाहिए? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल, मुझे आपको भी शायद याद है कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट बनी थी 2018 में, तो एज ए अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ साहब ने मिसाके मोईशत के लिए फ्लोर ऑफ द हाउस एक दावत दी थी कि आओ मिलकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें। तो भाई साहब ने यह कहा था कि मैं इनके साथ ना बैठना चाहता हूँ ना बात करना चाहता हूँ। उसके बाद भी ऐसे ऐसे जो मुल्क के मफाद के लिए जो इंटरनल इशू थे जिन पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पूरे पाकिस्तान की रियासत को बैठ के फैसले करने की, वो तो वहाँ पे भी नहीं बैठा। आज भी जो है ना, इस मुल्क ने आगे चलना है तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही इसका हल है कि सबको मिल बैठ कर इस पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहिए। मैं बिल्कुल बिल्कुल आरिफ साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप दोनों, एंड थैंक यू सो मच।